भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक ट्रांसपोर्टर द्वारा सुपरवाइजर से की मारपीट और लूट जैसी झूठी शिकायत के मद्देनजर विधायक देवेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपने की बातें कही हैं। इसे लेकर एसोसिएशन के पदाधिकारी सिविक सेंटर चौक में एकत्र हुए और इस झूठे आरोप की निंदा की। सिविक सेंटर चौक में एकत्र ये हैं भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी, ट्रक ड्राइवर्स और कंडक्टर्स, जो गुरुवार को एक ट्रांसपोर्टर द्वारा एसोसिएशन के एक ट्रांसपोर्टर के सुपरवाइजर से की गई मारपीट के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, जिसके लिए एसोसिएशन के पदाधिकारी भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपने, झूठी रिपोर्ट लिखाए ट्रांसपोर्टर पर कार्रवाई करने की बातें कर रहे हैं, जिसके लिए पदाधिकारियों ने विधायक को ज्ञापन सौंपने की बातें कही हैं, ताकि भिलाई का सौहार्द कायम रह सके। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित वरिष्ठ समाज सेवी प्रभुनाथ मिश्रा और वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कल भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों से एक ट्रांसपोर्टर ने एक ट्रांसपोर्ट के सुपरवाइजर से विवाद कर लिया। विवाद करने के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने विवाद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन एक ट्रांसपोर्टर ने थाने पहुँच कर एक झूठी रिपोर्ट लिखाई, मेरा 10,000 रुपया लूट लिया, ये कर दिया, उसके लिए मारपीट कर दिया। और ये बिल्कुल जितने प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्टर हैं आप देख रहे हैं, ये अपने किसी साथी का 5,000 रुपया लूटेंगे, मारपीट करेंगे। सुपरवाइजर से तुम्हारा विवाद हुआ, सुपरवाइजर ने रिपोर्ट लिखाई, तुम सुपरवाइजर के खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ, लेकिन ये झूठा आरोप लगाना कि हमारे प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्टरों ने 10,000 रुपया छीन लिया, मुझको मार दिया, ये झूठी रिपोर्ट हुई। इसके खिलाफ हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और आज विधायक निवास हमको सब इकट्ठा होकर आए हैं। विधायक जो एक संरक्षक होते हैं पूरे अपने क्षेत्र के, उनसे निवेदन करने आए हैं कि ऐसी गलत शिकायत, ऐसी गलत रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न करे पुलिस, इसकी ठीक से जांच हो और हमें आप संरक्षण सहयोग प्रदान करें कि हमारा जो एसोसिएशन है वो लोकल लोगों को कार्य मिले, लोकल लोगों को रोजगार मिले, तो उसके लिए हम सभी एसोसिएट हुए हैं, सभी एकजुट हुए हैं। और इसमें अगर कोई विघ्न डालता है और झूठी रिपोर्ट डाल करके हमको डराना चाहता है या हमारी एकता को भंग करना चाहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और विधायक, सांसद, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनका हमको समर्थन और संरक्षण मिलना चाहिए, ये निवेदन करने के लिए ये तमाम लोग इकट्ठा होकर यहाँ आए हैं। इस विधायक से हम अपने दुख सुख की बात कर सकें और उनसे अपने सहयोग और संरक्षण का निवेदन कर सकें। भिलाई ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन का कल यार्ड में एक सुपरवाइजर से विवाद हुआ और उस विवाद को लेकर शिकायत की गई है कि भिलाई के ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन के लोगों ने रुपया छीन लिया है, चेन छीन लिया है, भिलाई में व्यापार के लिए सौहार्द बना रहे और ये जो गलत शिकायत है इस पर कोई कार्रवाई ना हो, इसके लिए भिलाई के विधायक महोदय से हम लोग अपने एसोसिएशन के लिए संरक्षण और आशीर्वाद मांगने, सहयोग मांगने यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमें पूरी आशा है कि विधायक हमको सहयोग करेंगे, हमको संरक्षण देंगे। बहरहाल एसोसिएशन के पदाधिकारी सुपरवाइजर से की गई मारपीट और दूसरे पक्ष द्वारा लूट की झूठी रिपोर्ट लिखाए जाने से आक्रोशित हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई करे जाने की मांग ट्रांसपोर्टर्स द्वारा की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।